Welcome to the new lesson. In this lesson we are going to learn past continuous tense. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन. इसमें हिंदी सेंटेंस में आपको बोलने में आता होगा, मैं खेल रहा था, वह खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे. तो ये सारे सेंटेंस आपने बोल रखा है, समझ रखा है, सुन रखा है. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप जब कभी भी बोलोगे, पास्ट में नहीं बोलते हो. कब बोलते हो? प्रेजेंट में बोलते हो. आप अभी अगर ये बात कह रहे हो तो किसके लिए कह रहे हो? पास्ट के लिए कह रहे हो. पास्ट का जितना सारा काम होता है, जो भी काम होता है, वो तो पास्ट में हो जाता है. लेकिन इन सारे सेंटेंस को कहते कब है? कहते प्रेजेंट में है. काम आपका हो गया है पास्ट में, लेकिन कहेंगे इसको प्रेजेंट में. जैसे अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा था, तो ये मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन मैं वो काम ऑलरेडी कभी कर रहा था किसी एक ड्यूरेशन में. दैट इज इन पास्ट टाइम. ओके, सो ये जब कभी भी पास्ट और फ्यूचर वाली बात आती है, तो उन सारे बात को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट में ही. और रेफरेंस होता है हमारा, जो काम हो चुका होता है या होगा, वो फिर पास्ट में या फिर फ्यूचर में होगा. लेकिन हम लोग कहते कब है? प्रेजेंट में कहते हैं. सो इंग्लिश सेंटेंस में क्या होगा? वॉज वेर के साथ आईएनजी आएगा. जैसे वॉज रीडिंग, आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज प्लेइंग. हम लोग को इतना समझना है कि वॉज वेर के साथ आईएनजी आना है. इसके पहले तो हमको पता है कि एक सब्जेक्ट आना है, और इसके बाद एक वर्ब के बाद क्या आना है? ऑब्जेक्ट आना है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ वेरी वे, अगर वेरी इजी वे अगर हम लोग देखें, तो क्या है? राजा लिख रहा था, तो क्या हो गया? राजा वॉज राइटिंग. अगर आपको सेंटेंस बड़ा इनलार्ज करना है, सो कैन यू कैन ईजली इनलार्ज इट. कैसे? क्या लिख रहा था? लेटर. तो आप उसके बाद पुट कर लो, राजा वॉज राइटिंग अ लेटर. किसके लिए लिख रहा था? मान लो फॉर फादर, तो इंक्लूड दैट. राजा वॉज राइटिंग अ लेटर फॉर हिज फादर. कब लिख रहा था? वो इंक्लूड करना है, तो आप कर लो. तो इस तरह से सेंटेंस को इनलार्ज किया जाता है. आप छोटे से सेंटेंस को बड़ा कैसे बनाना है, वो टाइम रख लो, प्लेस रख लो, ऑब्जेक्ट रख लो, ये सारे रख रख कर हम लोग सेंटेंस को इनलार्ज करते हैं. सो दिस इज वॉट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी आर लर्निंग. तो हमने समझ लिया कि व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेंटेंस पैटर्न क्या होगा? वही सिंपली अभी जो हम लोग देखा था, उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं. इसके वॉज वेयर आईएनजी के पहले सब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट रखे. नेगेटिव करना है तो नॉट रख लो बीच में. इंट्रोगेटिव करना है तो सिंपली वॉज वेयर को पहले ला लो, फाइनली क्वेश्चन मार्क लाओ, दैट इज इंट्रोगेटिव. और WH वर्ड के साथ रखोगे यही पैटर्न को, तो WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा. नॉट कहां रखना है? इस जगह पे रखना है. अगर रखना होगा तो, नहीं रखना होगा तो नहीं रखेंगे. सो दिस इज ऑल आवर सेंटेंस पैटर्न ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो कब यूज करना है इसे? देखिए, एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम. अगर कोई एक टाइम को लेकर बात करेंगे, और उस टाइम के ड्यूरिंग में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? ड्यूरिंग. वो थोड़ा देर तक चलता रहता है, उसके बारे में हम लोग, पास्ट में कोई काम किसी एक टाइम से स्टार्ट हुआ और किसी एक टाइम तक चलता रहा, उसी को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. मतलब इसमें लॉन्ग टाइम थोड़ा रहता है, ड्यूरेशन को लेकर ये चलता है. तो एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट ए स्पेसिफिक टाइम. गोइंग ऑन मतलब जारी था ड्यूरेशन के लिए, और किसी एक स्पेसिफिक टाइम में. सेकेंड इज पैरेलल कंटिन्यूअस एक्शन. आपने देखा होगा कि आप एक कुछ कर रहे हो, और घर में आपके भाई बहन कुछ भी एक कुछ ना कुछ और कर रहे हैं. तो पैरेलल एक्शन, एक ही टाइम में, पास्ट में अगर दो काम चल रहा होगा, तब भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इरिटेशनल रिपीटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एक्शन. अगर आप इरिटेट होकर किसी को ये बताना चाहते हो कि ये काम हमेशा लगातार वो करती रहती है, रहता है, तो अब इस वे में भी हम लोग यूज कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, इरिटेशनल रिपीटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एक्शन. लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, दैट यू हैव टू इंक्लूड ऑलवेज, अदरवाइज सेंस ऑफ ऑलवेज. ओके, मान लो आपके साथ, तो यहां नंबर टू में क्या होता? पैरेलल एक्शन हो रहा था. अब इसमें क्या होगा? एक दो नहीं, बहुत सारे काम एक ही साथ हो रहे हैं. उस वाले काम के लिए भी हम लोग कौन से टेंस को, अगर पास्ट में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, और वो उस समय कंटिन्यू होगा. सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन टू डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर एंड एनवायरमेंट ऑफ अ प्लेस. सपोज करो आपने ट्रेन से उतरा और देखा बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द प्लेस एंड एनवायरमेंट और एटमोस्फेयर ऑफ द प्लेस. तब आप क्या यूज करोगे? यही सारे कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे, दैट
द पॉटर वॉज क्राइंग, वॉट द टिकट कलेक्टर वॉज चेकिंग, तो ये सारे टेंस उस सीरीज में अगर होंगे तो हम लोग वो यूज कर लेंगे डिस्क्राइब करने के लिए. पास्ट कंटिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट टेंस, इन दोनों का सिक्वेंस आता है. तो ये कब यूज करेंगे, ये बहुत वाइटल है कंपटीटिव के बच्चों के लिए भी, और सिंपल जैसे है हम लोग वैसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है आपके लिए. ओके, सो नेक्स्ट एक एक करके समझते हैं. जब एक्शन कंटिन्यू रहेगा किसी के स्पेसिफिक टाइम में तो उसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कंडीशन इसका क्या है कि एक्शन कोई एक स्पेसिफिक टाइम से रेफर करेगा. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कोई कह रहा है कल तुम क्या कर रहे थे, तो ये आपको रेफर किया ना कल. कल क्या हो गया, दैट इज अ स्पेसिफिक टाइम. और क्या कर रहे थे, द होल टाइम, द होल डे. आपसे पूछ रहा है कि पूरे दिन भर का वो कहानी आपसे पूछना चाह रहा है, ड्यूरेशन पूछना चाह रहा है, तब हम लोग ने क्या यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेंटेंस देखकर आपको समझ में आ रहा है, रहे थे, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्या होगा, व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे. तो आप अगर इसका आंसर देना चाहते हो कि हाँ आप ये कर रहे थे कि कल मैं हिंदी पढ़ रहा था, सो क्या हो जाएगा, Yesterday I was reading Hindi. हमने यहां पर क्या रखा, Yesterday रखा. This is the part of time, specific time. तो specific time के साथ भी हम लोग past continuous tense को use कर सकते हैं. Next is, मैं कल रात 10 बजे काम कर रहा था. आप उस exact time को भी बताना चाहते हो कि 10 बजे क्या कर रहे थे, आप ये काम कर रहे थे, तो आपने वो बता दिया, I was working at 10 p.m. last night. आप जो कर रहे थे वो बता दो, या फिर जो कुछ भी हो रहा था उस समय वो बता दो. तो दैट इज एक्शन वॉज गोइंग ऑन एन स्पेसिफिक टाइम, तब हम लोग ये यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. अब ये कह रहे हैं कि पैरेलल कंटिन्यूअस एक्शन एक ही टाइम में. अब ये देखो, ये जो पिक्चर है ये प्रेजेंट का पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक में तो पास्ट है, यहां प्रेजेंट आ जा रहा है. तो मान लो इस पास्ट से इस पास्ट से इस पास्ट तक में एक काम तो चल ही रहा था और दूसरा काम भी चल रहा है, मतलब पैरेलल कंटिन्यूअस एक्शन है. तो ऐसे वाले टेंस में कौन सा टेंस यूज करना है, ऐसे वाले सिचुएशन में दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, इसमें भी और इसमें भी. तो पास्ट कंटिन्यूअस वही मतलब वॉज वेयर आईएनजी यूज करना है और कुछ नहीं. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जब हम लोग यूज करेंगे तो हमेशा याद रखना है कि वेन नहीं यूज करना है, वाइल यूज करना है. जब दो कंटिन्यूअस सेक्शन होगा तब वहां पर हमें वेन नहीं यूज करना है. वी सेंसिबल हियर, वेन नहीं यूज करना है. ये कभी कभी एरर्स दिया रहता है आपको कंपेरेटिव में, और कभी कभी आपने अगर कंप्लेक्स सेंटेंस किया है वहां पर भी आप जब यूज करने जाओगे ना तो ये बहुत आपको हेल्पफुल होने जा रहा है. ठीक है, तो आपको ये सेंस आउट आउट करा देगा कि व्हाइल कब यूज करना है और व्हेन कब यूज नहीं करना है, या फिर कब यूज करना है. इस सेंटेंस के थ्रू से हम लोग समझ लेंगे, व्हाइल यूज करना है जब दो कंटिन्यूअस टेंस चलता रहेगा. तो एग्जांपल देखते हैं, जब मैं पढ़ रहा था मेरी माँ खाना पका रही थी. अब देखो दो काम एक साथ चल रहा है, इसमें हम लोग दो बात समझेंगे. पहला बात कि मैं पढ़ रहा था, ये बात तो है ही, साथ साथ दूसरी बात क्या है कि मेरी माँ खाना पका रही थी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और ये काम ड्यूरेशन में चल रहा था. लेकिन अब हमने यूज किया है जब, हिंदी में तो आपने जब यूज कर लिया, लेकिन इंग्लिश में जब, वेन भी सेंस आउट कर लेता है, वाइल भी कर लेता है. लेकिन यहां क्या आएगा, क्या बताया गया, वाइल यूज करना है. जब कभी भी पैरेलल कंटिन्यूअस एक्शन यूज होगा वाइल यूज करना है, ना कि वेन. ठीक है, वेन का और एक क्रिटेरिया होते हैं, आगे बताया जाएगा कि वेन और बहुत सेंसिबल है उसके लिए. तो देखो अब हमने इसमें जब यूज किया है, जब मैं पढ़ रहा था मेरी माँ खाना पका रही थी, तो आप इसमें कहना क्या चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि मैं पढ़ रहा था, नहीं, आपका ये जो बात है जिसके साथ जब लगा हुआ है वो कमजोर है. आप बताना चाहते हो कि मेरी माँ खाना पका रही थी, कब, जब मैं पढ़ रहा था. बात को समझो ध्यान से, समझना ये है कि जब हमने यूज किया जिस सेंटेंस के साथ, वो सेंटेंस थोड़ा ढीला पड़ गया, थोड़ा कमजोर पड़ गया. हम उस बात को एग्जैक्ट में नहीं बताना चाहते, वो बात सिर्फ टाइम के रेफरेंस में है. सिर्फ ये टाइम को बता रहा है कि जब मेरा पढ़ाई चल रहा था मेरी माँ खाना पका रही थी. मैं बताना ये चाहता हूं कि मेरी माँ खाना पका रही थी, टाइम क्या दे दिया मैंने, और उसी समय पढ़ रहा था जब मेरा पढ़ाई चल रहा था. तो जब उसी समय आप यूज कर सकते हो, जब एक टाइम रेफरेंस में बताओगे, और जो बताना चाहते हो उसके साथ अब जब यूज नहीं कर सकते हो. यहां पर जब क्यों नहीं यूज किया गया, क्योंकि मेरे को ये चीज बताना है. इसके साथ क्यों यूज कर लिए, क्योंकि ये टाइम रेफरेंस है. तो टाइम रेफरेंस जब होगा उसके साथ जब यूज करेंगे. ओके,
इंग्लिश में भी वही है, व्हाइल आई वॉज स्टडिंग माई मदर वॉज कुकिंग फूड। अब देखो यही बात को, इसी बात को इस बात में कह सकते हैं, इस लहजे में कह सकते हैं, इस वे में कह सकते हैं, इस सेंटेंस पैटर्न में कह सकते हैं, क्या, माई मदर वॉज कुकिंग फूड व्हाइल आई वॉज स्टडिंग। अब इस बात में कोई अंतर नहीं है कि व्हाइल किसके साथ है, इसके साथ है, स्टडिंग के साथ, तब भी हम यही कह रहे हैं कि मदर वॉज कुकिंग फूड एट वट टाइम, व्हाइल आई वॉज स्टडिंग। तो इन दोनों बात में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह का है। इसमें हमने व्हाइल पहले यूज कर लिया है, व्हाइल यहां बाद में यूज किया है। व्हाइल जिस सेंटेंस के लिए यूज करोगे वो टाइम रेफरेंस में रहेगा सिर्फ, और जो जिसमें व्हाइल नहीं लगा रहेगा वो एग्जैक्ट सेंटेंस आप स्पीक कर रहे हो, वो बता रहे हो, ठीक है। तो जब इसको हम लोग यूज करेंगे तो बी सेंसिबल देयर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, इसको ध्यान से समझो। जब मेरी माँ खाना पका रही थी मैं पढ़ रहा था। अब इसमें आप क्या बताना चाहते हो, आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहते हो कि वो आप कब पढ़ रहे थे, जब खाना पकाया जा रहा था माँ के द्वारा, मतलब जब माँ खाना पका रही थी आपका काम उसमें इंपॉर्टेंस हो गया कि आप ये बताना चाहते हो कि मैं पढ़ रहा था। तो दोनों सेंटेंस लगभग देखो एक ही है, सिर्फ जब का खेल है, मतलब व्हाइल का खेल है। व्हाइल किसके साथ आएगा, किसके साथ नहीं आएगा, आपको सेंसिबल होना है। आप जब स्पीक करोगे तब आपको समझना है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं। टाइम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाइल माय मदर वाज कुकिंग फूड आई वाज स्टडी। तो आपने क्या बता दिया, आपने बता दिया कि आप पढ़ रहे थे, किस टाइम रेफरेंस में, इस टाइम ड्यूरेशन में, माय मदर वाज कुकिंग फूड। ओके, इस सेंटेंस को और कैसे बताया जा सकता है, आई वाज स्टडिंग व्हाइल माय मदर वाज कुकिंग फूड। ओके, सो दिस इज ऑल ओवर डन, नंबर 2 इज फिनिश्ड। ध्यान से समझ लो और इसको और बेसिकली समझेंगे आगे जाकर। नेक्स्ट में आते हैं 3rd। अब किसी को इरिटेशन हो रहा है किसी के काम से, तब भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, और उसमें हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, ऑलवेज को यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली। ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली एक ही बात को मीनिंग आउट करता है, तब हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे। ओके, सच एक्शंस कंटिन्यूड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ऐसे एक्शन जो होते हैं कुछ देर के लिए चलते रहते हैं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस पहले बताया गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो कुछ ड्यूरेशन तक चलता रहता है, जिसकी वजह से इसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है जी। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ यूज टू। आपने सिंपल पास्ट टेंस में यूज टू यूज किया था ना, तो वहां पर हम लोग ने यूज टू क्यों यूज किया था, वो हैबिट दिखाने के लिए। यहां पर भी हम लोग इरिटेशनल, वो उसका हैबिट है लेकिन किसी को इरिटेट करता है, उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे। और सेंस आउट क्या होगा, उसका आदत है, और स्पीकर का क्या होगा, वो बहुत एंगर होगा, बहुत इरिटेट होगा। तो चलिए यूज कर लेते हैं, जो हम लोग का सेंटेंस है वो यूज कर लेते हैं। वह क्लास में लगातार बात कर रही थी, क्लास इज ओवर, ना यू आर कंप्लेनिंग, ना यू आर इरिटेट। अब आप इरिटेट हो, अब आप किसी से ये बात कह रहे हो कि क्लास में लगातार बात कर रही थी, तो अभी आपका गुस्सा वाला मूड है, उस समय तो रहा होगा और अभी भी जब आप इस बात को कह रहे हो तब भी है। तो सी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन द क्लास। आप यहां पर कॉन्स्टेंटली के जगह पर यू कैन रिप्लेस ऑलवेज, सी वॉज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज नंबर 4, सीरीज ऑफ पैरेलल कंटिन्यूअस एक्शन टू डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेस एट अ टाइम। एक ही टाइम में बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे अभी बताया गया था कि आपने ट्रेन से उतरा, और ट्रेन से उतरते ही क्या हो गया, बहुत सारा काम चल रहा है। तो ऐसे वाले पार्ट के लिए क्या यूज करना है, यही। देखो अब यहां दिखाया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, जब मैं घर गया। अब इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, आपने ये काम पूरा कर लिया, अब जैसे ही ये काम पूरा किया है ये सारा चल रहा था, क्या, मेरी मां तो खाना पका रही थी मगर मेरे पापा मेरी छोटी बहन को पीट रहे थे। अब देखो दो दो काम स्टार्ट हो गया, खाना पका रही थी और पापा छोटी बहन को पीट रहे थे, और मेरी दादी टेलीविजन देख रही थी, वाह दादी जी। तो ये क्या आ गया, ये तीन चीज दिखा रहा है, बहुत सारा एक्शंस को कंटिन्यू करके दिखा रहा है। तो ये जब किसी भी एनवायरनमेंट को, अपने घर के एनवायरनमेंट को आप डिस्क्राइब करो कि ऐसा ऐसा चल रहा था मेरे पहुंचते ही, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो पहला जो पार्ट है वेंट होम, ये सिंपल पास्ट टेंस को लेकर चल रहा है क्योंकि ये काम खत्म हो गया है। ये काम जब आपने खत्म कर लिया तो उसको पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में रखा। अब इस छोटी छोटी बात को एक करके लिख लो, मेरी माँ तो खाना पका रही थी, माय मदर वॉज कुकिंग फूड, मगर But my father was beating my younger sister, पीट रहे थे, and
अब इस बात को लिख लो, मेरी दादी माँ टेलीविजन देख रही थी, माई ग्रैंड मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन। तो अगर आप स्टेशन से उतरे, बहुत सारी चीज को देखा। अगर आपने क्लास में गया, क्लास में देखा कि टीचर पढ़ा रहे थे लेकिन बच्चे हंस रहे थे, हेडमास्टर उधर से आ रहे थे, इन सार कहीं के भी इन्वायरमेंट को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो पास्ट वाले इन्वायरमेंट में, कि एक साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे आप बाजार में गए, बाजार में बहुत सारे काम चलते रहते हैं, तो उन सारे चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस। और ये कब डिस्क्राइब कर रहे हो? प्रेजेंट में आकर डिस्क्राइब कर रहे हो, पास्ट में जाकर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट में आकर उन सारे चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। ये काम ओवर हो चुका है, जब आप थे उस समय ऐसा चल रहा था, अब उस आप उसी बात को कंटिन्यू दिखाने के लिए ये कह रहे हो। ओके, सो दिस इज, अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट, इसको सिक्वेंस ऑफ टेंस में लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वाइल वर्सेस वेन, जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वाइल को कब यूज करना है, वेन को कब यूज करना है, नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था कि वाइल कब यूज करना है। वाइल हमने देखा था कि कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज करेंगे लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे। अब यहां देखना है कि इन दोनों में क्या टेक्निकल डिफरेंस है जो आपको बहुत ही टेक्निकली बूस्टफुल करने जा रहा है। सो वाइल कब यूज करना है? वाइल इज फॉर ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग एक्शन। लॉन्ग एक्शन कौन होगा? कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस लॉन्ग एक्शन होता है। मैं पढ़ा और मैं पढ़ रहा था, मैं लॉन्ग एक्शन कौन है आप बताओ? पढ़ रहा था, पढ़ा तो खत्म हो गया, पढ़ रहा था वॉज लॉन्ग एक्शन। तो जब कभी भी ऐसा कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन होता है, दैट इज लॉन्ग एक्शन। और उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? व्हाइल। व्हेन यूज करेंगे? एग्जैक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम, ये शॉर्ट एक्शन होता है। ये किसके लिए? सिंपल पास्ट, मैंने पढ़ा ये खत्म हो गया, ये शॉर्ट एक्शन है। और उसके लिए क्या यूज करेंगे? व्हेन। तो जब कभी भी आप व्हाइल और व्हेन यूज करने जाओगे तो ये दो टेक्निकल पॉइंट को याद रखना तो आपको बहुत हेल्पफुल करने जाएगा। कहाँ का? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर्स आता है वहां पर भी, कि व्हाइल के साथ कभी भी सिंपल पास्ट टेंस नहीं आ सकता है और व्हेन के साथ कंटिन्यूअस नहीं आ सकता है, यहीं पर मिसमैच करके दे देगा आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब देखो ये एग्जाम्पल लिया गया है जो कि करेक्ट बताया गया है, और आपको करेक्ट है या नहीं है आपको समझना है। आपको कैसे समझना है मैं समझा रहा हूं। आई वॉज रीडिंग, अब ये कौन सा टेंस है? आई वॉज रीडिंग कंटिन्यूअस है, तो इस कंटिन्यूअस टेंस के साथ क्या रख सकते थे हम लोग? व्हाइल। तो चलो व्हाइल नहीं यूज किए, व्हेन यूज किए, किसके साथ? पास्ट के साथ। तो ये बताया था ना कि व्हेन किसके साथ यूज करना है? शॉर्ट एक्शन सिंपल पास्ट के साथ, तो ये सही है। मैंने व्हेन के बाद क्या कौन सा टेंस आना चाहिए? सिंपल पास्ट, तो सही है, इसलिए करेक्ट है। लेकिन अगर वेन हम लोग यहां यूज कर लेते तो गलत हो जाता, जो कि इस सेंटेंस में है। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि वेन कब यूज करते हैं? शॉर्ट एक्शन के लिए। और आई वॉज रीडिंग तो क्या है? लॉन्ग एक्शन है, होगा ही नहीं, पूरी तरह से करप्ट है ये सेंस, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें वाइल यूज कर सकते हैं, इसी वाले सेंटेंस में, वाइल आई वॉज रीडिंग यू कॉल्ड, ये करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग ने एक ही सेंटेंस को तीन तरह से देखा, जिसमें दो तरह सही था और एक तरह गलत था। अब पहले वाले और तीसरे वाले को कंपेयर करते हैं। जब हमने वेन यहां यूज किया तो हम ये बताना चाहते हैं आई वॉज रीडिंग, हम ये बताना चाहते हैं, और इस टाइम रेफरेंस में। जब हमने वाइल यूज किया तो हम ये बताना चाहते हैं कि यू कॉल्ड, और उसका टाइमिंग क्या था? जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है जी, तो इस तरह से अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर व्हेन के साथ क्या होगा और व्हाइल के साथ क्या होगा। अगर आप इसको सही सही किए तो आई कैन दैट, कि मेरे को लगेगा कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया मेरा वो सक्सेसफुल रहा, मैं उस समझाने में समर्थ रहा। सो आई होप दैट यू गेट द पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड हियर। शो अगर आपने समझ लिया है और आप चैनल पर नए हो, शो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।